हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू यूनुई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे, और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे ट्रेड पॉलिसी, और हमने अपने पिछले सेशन में डिस्कस किया था एक्सपोर्ट पॉलिसी और इम्पोर्ट पॉलिसी के बारे में। तो अगर आप में से किसी ने पिछले सेशन को नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। और मेरी अब ये कोशिश रहेगी कि आज इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद जो मैं नेक्स्ट सेशन आपको प्रोवाइड करूंगी वो रहेगा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का, ठीक है? क्योंकि मेरे पास काफी ज्यादा डिमांड भी आ रही है, और अगर ये वीडियो मुझे लगता है पहले से दे दूं तो आप में से कई लोगों की प्रिपरेशन और ज्यादा अच्छी हो पाएगी, ठीक है? तो इस यूनिट को हम लोग कंप्लीट करने के बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक? अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने किसी ने भी मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इग्नू से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहती हैं यहाँ पे मैं रेगुलरली इन्फॉर्म करती रहती हूँ। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए और पीछे जितने भी सेशन हुए हैं उनके अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टैरिफ पॉलिसी के बारे में। तो हम अपने यूनिट 4 और यूनिट 5 में यही डिस्कस करते आ रहे हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट ने एक ट्रांसफॉर्मेशन लिया फ्रॉम इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन टू एक्सपोर्ट प्रमोशन में, राइट? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज को भी इम्प्लीमेंट किया गया, उनको मॉडिफाई भी किया गया टाइम टू टाइम, ताकि जो भी हमारे इम्पोर्ट ड्यूटीज हैं, इम्पोर्ट रेट्स हैं, जितने भी टैक्सेस हैं हमारे जो भी लगते हैं, इनको किसी तरह कम किया जा सके ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़ाए जा सके, है ना? अब यहाँ पर जो टैरिफ पॉलिसी लाई गई थी 1991 में, उसमें भी जो गवर्नमेंट का मेजर ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि किसी भी तरह हम जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको कम कर सके, राइट? क्योंकि अगर हम इम्पोर्ट ड्यूटीज को कम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें भी फर्क आएगा, वो भी कम हो जाएगी, और उसके साथ जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगी, राइट? कि सीधी सी बात है कि अगर ज्यादा इम्पोर्ट ड्यूटीज लगाई जाएंगी, ज्यादा कस्टम ड्यूटी इंडस्ट्रीज को पे करनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं जो उनकी कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है और वो उतना ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाती है, है ना? तो गवर्नमेंट का जो मेजर ऑब्जेक्टिव रहा इस पर्टिकुलर पॉलिसी में वो यही रहा कि हम अपने इम्पोर्ट टैरिफ्स को धीरे धीरे रिड्यूस कर सके ताकि जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, वो एक्सपोर्ट्स बढ़ा सके, एक्सपोर्ट को आगे प्रमोट कर सके, ठीक है? Since 1991, government is in the process of overall economic reforms. An important part of this process has been to gradually reduce high rate of import duty. The main objective in reforming custom duty structure was to lower cost of production and to make user industries more competitive. The gradual reduction of import tariffs also allowed realistic time to domestic producers to adjust to new competition from similar goods. देखिए, मैंने आपको एक चीज ये भी बताई थी कि जब कोई नई इंडस्ट्री को establish किया जाता है तब जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, कोशिश करती है कि किसी भी तरह उस इंडस्ट्री का कंपटीशन फॉरेन मार्केट से ना हो, है ना? एक तरह से कह सकते हैं कि उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि अभी इंडस्ट्री जो है अभी स्टैब्लिश हुई है तो उसके पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उसके अभी कोई ग्रोथ नहीं है, तो अगर कोई भी बाहर की इंडस्ट्री आती है वो यहाँ पे प्रोडक्शन करने लगती है या प्रोडक्ट सेल करने लगती है तो कहीं ना कहीं हमारी जो न्यूली स्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री है वो क्या हो जाएगी, रुइन हो जाएगी, है ना? वो सेटल ही नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रोटेक्शनिज्म कह सकते हैं प्रोवाइड करने की कोशिश करती है, ठीक है, साथ के साथ कुछ सब्सिडीज भी प्रोवाइड करती है ताकि जो हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो थोड़ा एडजस्ट हो सके, और उसके बाद जब वो ग्रोथ स्टेज में आ जाती है उसके बाद वो इजिली इंटरनेशनल मार्केट में क्या कर सकती है, कॉम्पिटिशन दे सकती है दूसरी फर्म्स को, ठीक। The Indian import tariff system is based on the Customs Corporation Council nomenclature. Aggregate duties on imports includes basic duty, auxiliary and countervailing duties. Countervailing duties are levied
टू लिंक द इम्पोर्ट टैक्स बर्डन विद इंडियाज इंटरनल एक्साइज ड्यूटीज एज अ मैटर ऑफ सेंसिबल पॉलिसी कंज्यूमर गुड्स components and parts that can be made in India carry higher rate of import duties. तो इंडिया का जो इम्पोर्ट सिस्टम है वो किस पे बेस्ड है? कस्टम्स कॉर्पोरेशन काउंसिल नॉमेनक्लेचर पे बेस्ड है, राइट? अब आपके इम्पोर्ट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्यूटीज चार्ज करी जाती है, ठीक है? जैसे आपका बेसिक ड्यूटी हो गई, ऑक्सिलरी ड्यूटी हो गई और काउंटरवेलिंग ड्यूटीज हो गई, ओके? लेकिन यहाँ पे जो समझने वाली ड्यूटी है वो है काउंटरवेलिंग ड्यूटी. देखिए क्या होता है, जब किसी कंट्री में कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, तो वहां पे उनको कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं, ठीक? जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड करी, तो जो प्रोडक्ट का प्रोड्यूसर है उसको ये बेनिफिट मिला, ठीक है? अब इस सब्सिडी को ऑफसेट करने के लिए क्या किया जाता है? काउंटरवेलिंग ड्यूटी को चार्ज किया जाता है, ठीक है, ताकि वहां पे किसी को भी बेनिफिट ना हो पाए, ठीक? क्योंकि देखिए, अगर प्रोड्यूसर को कोई बेनिफिट मिल रहा है या प्रोड्यूसर को सब्सिडीज प्रोवाइड की जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ना, एक पार्शियलिटी की जा रही है डोमेस्टिक मार्केट और फॉरेन मार्केट के बीच में, है ना? तो इस पार्शियलिटी को रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, एक तरह से कह सकते हैं जो सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है उसको यहाँ पे ऑफसेट किया जाता है, ताकि जो भी हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं और जो भी हमारे फॉरेन प्रोड्यूसर्स हैं वो एक सेम लेवल पे ही रहें, ठीक है? आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. अब देख लेते हैं कि कौन से चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया गया था जब हमने न्यू एग्जिम पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, ठीक है? सो पहला पॉइंट है हमारा, क्वांटिटी बेस्ड एडवांस लाइसेंस स्कीम विल कंटिन्यू बट द वैल्यू बेस्ड एडवांस लाइसेंस एंड द ओल्ड पासबुक स्कीम आर रिप्लेस्ड बाय द ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम. डीपीवी combines positive features of both the schemes. It is also easy to administer and is more transparent. New exam policy में सबसे पहले क्या changes लाए गए कि जो हमारी value based advanced license scheme थी और जो हमारी old passbook based scheme थी, इनको replace करके क्या लाई गई? Duty entitlement passbook scheme, है ना? इसके बारे में हमने already अपने पिछले session में discuss भी किया था. तो इस पर्टिकुलर स्कीम में ऊपर की दोनों ही स्कीम इंक्लूड हो जाती हैं, इसीलिए उन दोनों को रिप्लेस करके एक सिंगल स्कीम लाई गई, ताकि वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन इजीली किया जा सके और ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन की जा सके, ठीक है? बाकी आपकी जो क्वांटिटी बेस्ड एडवांस लाइसेंस स्कीम थी ये आगे कंटिन्यू रही, ठीक? नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अंडर दिस न्यू स्कीम एक्सपोर्टर्स इन अकॉर्डेंस विद नोटिफाइड एंटाइटलमेंट रेट्स will be offered duty credits allowing them to import goods duty free. इस स्कीम के बारे में हमने ऑलरेडी कल डिस्कस भी किया था और मैंने वहां पे आपको ये भी बताया था कि अगर जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं वो प्रॉपर लाइसेंसिंग के थ्रू अगर एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, तो उनके पास जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है वो क्या है? ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम, है ना? जहाँ पे हमने बात करी थी कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको क्रेडिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिसके बेसिस पे वो आगे गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी ड्यूटी, ठीक है? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको. नेक्स्ट स्लाइड पे. तो अभी हमने देखा कि क्या क्या चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया गया था न्यू एग्जिम पॉलिसी में, राइट? अब पढ़ लेते हैं मेन फीचर्स ऑफ न्यू टैरिफ पॉलिसी. सबसे पहला पॉइंट है हमारा, द फोकस हैज बीन टू रिड्यूस multiplicity of duty rates and rationalization of the rate structure. तो सबसे पहला फीचर हमारी न्यू टैरिफ पॉलिसी का क्या था, जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्यूटीज चार्ज की जा रही थी उनको रिड्यूस किया जाए और जो भी हमारे एग्जिस्टिंग रेट स्ट्रक्चर है उसमें मॉडिफिकेशंस लाए जाए, उसमें कुछ चेंजेस लाए जाए, ठीक है? जैसे हमारा एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, जैसे हमारी नीड चेंज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग उसमें मॉडिफिकेशंस लाने की जरूरत भी होती है. तो इसके बारे में इसमें बात कही गई, ठीक? नेक्स्ट पॉइंट हमारा, द स्कोप ऑफ डिस्क्रीशन हैज बीन ड्रास्टिकली कर्टेल्ड बाय अबॉलिशिंग द पावर टू ग्रांट एड हॉक ड्यूटी एग्जेम्पशंस. अब इस पॉइंट को समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि ये एड हॉक ड्यूटी बेसिकली होती क्या है, ठीक है? देखिए, ये एग्जेम्पशन बेसिकली आपकी कस्टम ड्यूटी के सेक्शन 25 सब सेक्शन 2 में आती है, ठीक है? इसमें ये बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी होती है कि अगर कोई गुड्स को इंपोर्ट किया जा रहा है तो गवर्नमेंट उसको ड्यूटी फ्री कर सकती है या फिर उस पर जो भी ड्यूटी इम्पोज की जा रही है उससे उसको एग्जेम्प्ट कर सकती है, ठीक है?
ये जो एग्जेम्पशन है वो बेसिकली उन इम्पोर्टेड गुड्स को मिलती है या उन इम्पोर्टेड गुड्स पे मिलती है जो कि आपकी कंट्री के बेनिफिट के लिए, आपकी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए है, उन प्रोडक्ट्स या उन गुड्स पे ये एग्जेम्पशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, जो हमारी न्यू टैरिफ पॉलिसी थी उसके अंदर ये एड हॉक ड्यूटी एग्जेम्पशन को क्या कर दिया गया था, अबॉलिश कर दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, एन अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग हैज बीन सेट अप फॉर एक्साइज एंड कस्टम्स, दिस विल इंजेक्ट ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोवाइड बाइंडिंग रूल्स, दिस विल ऑल्सो हेल्प इंटेंडिंग इन्वेस्टर्स अबाउट देयर ड्यूटी लायबिलिटी इन एडवांस। तो एक्साइज एंड कस्टम्स को प्रॉपरली मॉनिटर करने के लिए एक एडवांस रूलिंग अथॉरिटी फॉर्म की गई थी जिसके थ्रू ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन की जा सके और जो भी रूल्स होंगे वो कैसे होंगे, बाइंडिंग इन नेचर होंगे। ठीक है, बाइंडिंग इन नेचर का बेसिकली मतलब ये होता है कि मैंडेटरी है आपके लिए मानना। ठीक है, एक आपने वर्ड सुना होगा ना नॉन बाइंडिंग नेचर, नॉन बाइंडिंग का मतलब होता है कि वो वॉलंटरी रहता है, वहां पे आप चाहे उस चीज को माने चाहे ना माने इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जहां पे ये लिखा है कि वो बाइंडिंग रूल्स है इसका मतलब है वो मैंडेटरी नेचर है और आपको उसे मानना ही पड़ेगा। पॉइंट है हमारा, कस्टम टैरिफ्स हैज बीन फर्दर रिड्यूस्ड फ्रॉम 45% टू 40%। ठीक है, आई होप यहाँ तो समझाने की जरूरत नहीं कुछ भी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, टू ब्रिंग आउट अ मोर रैशनल एंड सिंप्लीफाइड ड्यूटी स्ट्रक्चर देयर हैज बीन 7 मेजर एड वॉल्यूम रेट्स ऑफ कस्टम ड्यूटी। तो यहाँ पे जो भी ट्रेड स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा रैशनल और थोड़ा सिंप्लीफाई करने की बात यहाँ पे कही गई है। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन नंबर ऑफ आइटम्स यूज्ड इन आईटी सेक्टर हैज बीन रिड्यूस्ड एंड रैशनलाइज्ड। तो जो भी प्रोडक्ट्स, जो भी आइटम्स आईटी सेक्टर में यूज किए जाते तो उनके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा चार्ज की जाती थी, तो इसको रिड्यूस किया गया और इसमें रैशनलाइजेशन लाने की भी कोशिश करी गई। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा WTO रिजाइम एंड इंडियाज पॉलिसी मेकिंग। तो यहाँ पे बेसिकली हम डिस्कस करेंगे WTO को जो भी कमिटमेंट इंडिया ने प्रोवाइड करी थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या मेजर एक्शंस लिए। ठीक है, सबसे पहला क्या पॉइंट है हमारा, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। तो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट्स मेंटेन्ड ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ग्राउंड्स वर नोटिफाइड टू WTO इन 1997 फॉर 2714 tariff lines at the 8 level. In view of the improvement in our BOP, the Committee on BOP Restriction had asked India for a phase-out plan for these QRs. So, 1997 में इंडिया ने WTO को ये notify किया था कि उस time पे वो 2714 tariffs charge करते थे 8 level पे। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, जो हमारी बीओपी की कंडीशन थी वो शुरू से ही खराब थी, राइट। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए कमिटी फॉर्म की गई थी और इस कमिटी ने क्या एडवाइस दी थी इंडिया को कि हम जितने भी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, जैसे जो टेरिफ्स लगा रहे हैं, इनको क्या करें, फेज आउट कर दें। ठीक है, इनको रिमूव कर दें। ठीक, बेस्ड ऑन प्रेजेंटेशंस बिफोर दिस कमिटी एंड सब्सिक्वेंट कंसल्टेशन विद आवर मेन ट्रेडिंग पार्टनर्स, an agreement was reached with those countries except USA to phase out the QRs over a period of 6 years beginning 1997. So, committee ki consultation ke according India ne kya kiya, agreement kiye different countries ke saath, lekin USA ke saath koi bhi agreement nahi hua. जो डिफरेंट कंट्रीज हैं या अलग दूसरी कंट्रीज थी जिनके साथ एग्रीमेंट हुआ और वहां पे ये बात हुई कि जो भी हमारे क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको हम 6 साल के अंदर हटाने की कोशिश करेंगे, और 6 साल कहाँ से शुरू होंगे, 1997 से। ठीक है, द US प्रेफर्ड अ डिस्प्यूट अंडर द WTO's डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म पर्सुएंट टू द रिपोर्ट ऑफ द पैनल एंड द एपिलिएट बॉडी। इंडिया एंड द USA हैव अग्रीड टू अ bilateral सेटलमेंट फॉर determination ऑफ अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम अप टू 1 April 2001 within which India has to implement the ruling and recommendations of the dispute settlement body to remove the existing QRs in a phased manner. As on date, the number of tariff lines on which QRs exist have come down to 1429 at the 8-digit level. यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर आप यहाँ पे देखें तो quantitative restrictions की अगर हम बात करें तो यहाँ पे चीजें 3 phase में work करी, right?
तो अगर फर्स्ट फेज की बात करी जाए तो WTO को नोटिफाई किया गया था 1997 में कि इंडिया 2714 टेरिस इम्पोज करता है 8 लेवल पे, राइट। फिर उसके बाद बोला गया कि अगर हमें मतलब इंडिया को BOP अगर इम्प्रूव करना है तो उसके लिए कमिटी को सेटअप किया गया, और उस कमिटी ने क्या एडवाइस दिया, क्या सजेशन दिया कि हमें अपने जो भी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस है, मतलब जो भी हम टेरिफ्स को इम्पोज करते हैं उसको फेज आउट करने की जरूरत है ना। नेक्स्ट फेज की अगर बात करें तो इंडिया ने इस चीज को कंसिडर किया, और उसके बाद जितनी भी ट्रेडिंग कंट्रीज थी उनके साथ एक अग्रीमेंट किया एक्सेप्ट USA, ठीक है। USA के साथ दूसरा अग्रीमेंट हुआ था, बाकी जितनी भी कंट्रीज थी उनके साथ ये अग्रीमेंट किया गया, और उसमें बोला गया कि 1997 से लेकर आगे के 6 साल के अंदर जितने भी टेरिफ्स हैं, जितने भी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस हैं, उनको फेज आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं थर्ड फेज की बात करूं तो यहाँ पे जो USA है उसने प्रेफर क्या किया, WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म तक गई वो, ठीक है। WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म बेसिकली क्या है, जहाँ पे अगर कोई भी कंट्रीज के बीच में ट्रेड को लेके कुछ भी दिक्कत हो जाती है, ठीक है, डिस्प्यूट हो जाता है, तो WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म क्या करता है, एक तरह से कह सकते हैं सेटलमेंट बॉडी है, ठीक है, जिसके थ्रू आप इजिली अपनी जो भी बात है वहां रख सकते हैं, और उनका जो डिसीजन होगा वो फिर बाइंडिंग होगा, ठीक है, वो फिर पार्टीज को मानना ही पड़ता है, ठीक। जो भी पैनल था और एप्लीकेट बॉडी थी उसके अकॉर्डिंग इंडिया और USA के बीच में एक बायलेटरल सेटलमेंट होता है, ठीक है, एज ऑन 1 अप्रैल 2001, जहां पे ये बोला जाता है कि इंडिया अपने जितने भी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस है क्या कर देगा, उन्हें फेज आउट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद देखा गया एज ऑन डेट कि इंडिया ने अपने काफी ज्यादा क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस या टेरिफ्स को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया था। जो पहले 2714 टेरिफ्स इम्पोज करता था अब वो कितने कम हो गए थे, अब आ गए थे वो 1429 तक आ गए थे, ठीक है। ये सब बेसिकली इंडिया को क्यों करना पड़ा था, क्योंकि WTO के साथ इंडिया की कुछ कमिटमेंट थी, ठीक है, उस कमिटमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें वर्क करने की जरूरत थी, और उनको ये दिखाना था कि हमने उसके अकॉर्डिंग क्या एक्शंस लिए, हमने आगे क्या चीजें परफॉर्म की, ठीक। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है हमारा ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, दैट इज ट्रिप्स। इसके बारे में हम काफी बार पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट अलग है, तो इसको एक बार यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक। द अग्रीमेंट सेट्स आउट द मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोटेक्शन टू बी अडॉप्टेड बाय द पार्टीज इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉपीराइट्स एंड रिलेटेड राइट्स, ट्रेडमार्क्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, इंडस्ट्रियल डिजाइंस, पेटेंट्स, layout designs of integrated circuits and protection of undisclosed information or trade secrets and the enforcement of these। यहाँ पे अगर ट्रिप्स की बात करी जाए तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का बेसिकली क्या मतलब होता है, इंटेलेक्चुअल का क्या मतलब होता है, माइंड, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज जिसको आपने इन्वेंट किया हो, जिसमें आपका दिमाग खर्च हुआ हो, ठीक है, आपने अपने इंटेलेक्ट को यूज किया हो, उन सब चीजों के लिए क्या मिलती है, एक तरह से प्रोटेक्शन दी जाती है, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जैसे कि आपके कॉपी राइट्स हो गए, राइट, पेटेंट्स हो गए, ठीक है, ज्योग्राफिक इंडिकेटर्स हो गए, ओके, ICs हो गई, ठीक है। इन सब के ऊपर हमको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, अगर नहीं की जाएगी तो आप जानते हैं यहाँ पे कितनी जल्दी चीजें डुप्लीकेट हो जाती हैं, राइट, तो इन सब की प्रोटेक्शन मिलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ओके। A transition period of 5 years is available to all developing countries to give effect to the provisions of the TRIPS agreement. Countries that do not provide product patent in certain areas can delay the provision of product patents for another 5 years. However, they have to provide exclusive marketing rights for products which obtain patents after 1st of January 1995. As per our obligation under the WTO agreement, The Patents Amendment Act 1999 was passed in March 1999 to provide for exclusive marketing rights. यहाँ पे बस इतनी सी बात बोल रहा है कि जितनी भी हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको 5 साल का टाइम दिया जाता है कि वो ट्रिप्स अग्रीमेंट के प्रोविजंस को इफेक्ट में ले आए। अगर कोई कंट्री नहीं ला पाती है तो उसको 5 years का और एक्सटेंशन दिया जाता है प्रोडक्ट के पेटेंट के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। और अगर कोई प्रोडक्ट पे पेटेंट 1st ऑफ जनवरी 1995 के बाद मिलता है तो वहां पे
मार्केटिंग राइट्स की भी जरूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि एज पर WTO अग्रीमेंट, जो पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट था 1999 में जो पास हुआ था, उसमें बात करी गई थी एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स की। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रोडक्ट की पेटेंट अगर हमको 1 जनवरी 1995 के बाद मिलती है, तो वहां पे हमें एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक, आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब डिस्कस कर लेते हैं हम पेटेंट्स के बारे में। ठीक है, द बेसिक ऑब्लिगेशन इन दिस एरिया ऑफ पेटेंट्स इज दैट इन्वेंशन इन ऑल फील्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजी whether products or processes shall be patentable if they meet the three test of being capable of industrial application। देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी पेटेंट्स की बात होगी ना, तो वहां पे एक वर्ड जरूर आएगा जो कि है आपका इन्वेंशन। ठीक है, पेटेंट को हमेशा हम इन्वेंशन से ही जोड़ते हैं। ठीक, जब आप कोई नई चीज को इन्वेंट करते हैं, तभी हम उस चीज का पेटेंट लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं मैं, तो चाहे आपने प्रोडक्ट को इन्वेंट किया हो या कोई प्रोसेस को इन्वेंट किया हो, और अगर आपको इन्हें इंडस्ट्री में यूज करना है, इंडस्ट्री में इसको अप्लाई करना है, तो ये थ्री टेस्ट पास कर पाए तभी इनको इंडस्ट्री में अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, जैसे आपने कोई टेक्नोलॉजी को फॉर्म किया और इस टेक्नोलॉजी को आपको अपने इंडस्ट्रीज में अप्लाई करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो कुछ तीन टेस्ट होते हैं जो उन्हें मीट करने होते हैं। अगर ये तीन टेस्ट क्वालिफाई कर ले जाते हैं, तो इजिली वहां पे सेटअप किया जा सकता है और इसका पेटेंट भी मिल जाता है। ठीक, इन एडिशन टू द जनरल सिक्योरिटी एग्जेम्पशन व्हिच अप्लाइज टू द एंटायर ट्रिप्स अग्रीमेंट, एक्सक्लूजन फ्रॉम पेटेबिलिटी आर परमिसिबल फॉर इन्वेंशंस हुज कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर और मॉरालिटी, ह्यूमन, एनिमल, प्लांट लाइफ और हेल्थ, और टू अवॉइड सीरियस प्रिजस टू द एनवायरमेंट। देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो भी इन्वेंशन की जाती है उसके लिए आप पेटेंट ले सकते हैं, राइट? लेकिन अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि कमर्शियली एक्सप्लॉयट करी जाती हैं, ठीक है, और वो इसलिए की जाती है ताकि पब्लिक को प्रोटेक्ट किया जा सके, ह्यूमन लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके, एनिमल प्लांट सबको प्रोटेक्ट किया जा सके, तो ऐसी सिचुएशन में उस पर्टिकुलर चीज पे या उस पर्टिकुलर थिंग पे आपको पेटेंट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो यहाँ पे जो भी एग्रीकल्चर मेथड्स को यूज किया जाता है, इसके ऊपर कोई भी पेटेंट नहीं प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, पब्लिक डोमेन के अंदर है ना, और इसको इजीली एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, और यहाँ पे इसलिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है। ठीक, डायग्नोस्टिक, थेरेप्यूटिक एंड सर्जिकल मेथड्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमंस और एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स अदर देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मे ऑल्सो बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम patentability। The patent term provided for in the TRIPS agreement is of 20 years। ठीक है, तो जो TRIPS agreement में patent की बात कही गई है, वो 20 साल तक valid रहता है। ठीक, I hope यहाँ तक clear हुआ होगा। चलते हैं next slide पे। Next point है हमारा layout designs of integrated circuits, जिसको आप ICs कहते हैं। ठीक है, so India is a signatory to the international agreement, the Washington Treaty, administered by WIPO. The main obligation of the Washington Treaty are also incorporated in the TRIPS agreement with some enhancement and cover the protection of intellectual property in respect of layout designs that are original in the sense of being the result of their creator's own intellectual efforts. The obligations include national treatment to foreign right holders and a term of protection of 10 years. A legislation giving protection layout designs was introduced in the Raj Sabha on 20th December 1999 by the Department of Electronics. यहाँ पर सिंपली ये बोला गया है कि इंडिया क्या है, सिग्नेटरी है इंटरनेशनल अग्रीमेंट कौन सा, वॉशिंगटन ट्रीटी का, जिसको कौन एडमिनिस्टर कर रहा है, WIPO, that is your वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जो मेन ऑब्लिगेशन था वॉशिंगटन ट्रीटी का, उसको भी इनकॉर्पोरेट किया गया था ट्रिप्स अग्रीमेंट के अंदर। ठीक है, और इसमें यही बात बोली गई थी
कि जो भी लेआउट डिजाइन है आईसीज की, वो जो क्रिएटर है उसके खुद के एफर्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी और ने उसको इन्वेंट किया, किसी और ने उसको बनाया है और जस्ट उसको क्या किया गया है, कॉपी किया गया है। ठीक है, जो क्रिएटर है उसके खुद के इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स यहाँ पे होने चाहिए, उसका खुद का यहाँ पे दिमाग यूज होना चाहिए, कहने का ये मतलब है। ठीक है, इसका जो प्रोटेक्शन ईयर है वो कितना है, 10 साल का है। ठीक है, अगर इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था राज्यसभा में 20 दिसंबर 1999 में, किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी था, राइट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉपी राइट एंड रिलेटेड राइट्स। इन द एरिया ऑफ कॉपी राइट एंड रिलेटेड राइट्स, दैट इज राइट ऑफ परफॉर्मर्स, प्रोड्यूसर्स ऑफ फोनोग्राम्स एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस, द अग्रीमेंट रिक्वायर्स कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ द बर्ने कन्वेंशन। कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर टू बी प्रोटेक्टेड एज लिटरेरी वर्क्स। द टर्म ऑफ प्रोटेक्शन फॉर कॉपी राइट एंड राइट्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ फोनोग्राम इज टू बी नो लेस देन 50 ईयर्स। इन केस ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस हाउएवर द टर्म ऑफ प्रोटेक्शन इज टू बी एट लीस्ट 20 ईयर्स। तो यहाँ पे बेसिकली बात कर रहा है कॉपीराइट और उससे रिलेटेड जितनी भी राइट्स होती हैं। ठीक है, कॉपीराइट बेसिकली किसमें दिया जाता है, आपके लिटरेरी वर्क्स हो गए। ठीक है, जैसे कि आपने अगर कोई बुक लिखी, ठीक, जैसे म्यूजिक कंपोज किया गया, तो इन सब चीज में क्या मिलता है, हमको कॉपीराइट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इसके प्रोविजंस के बारे में बर्ने कन्वेंशन में बात करी गई थी। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन की बात करूँ किसमें, परफॉर्मेंस एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ फोनोग्राम में, तो ये होती है लेस देन 50 ईयर्स। अब मेरे ख्याल से आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ये फोनोग्राम बेसिकली होता क्या है। देखिए, मैं आपको समझाती हूँ कि इसका क्या मतलब होता है। देखिए, फोनोग्राम आपका दो वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, पहला वर्ड हो गया आपका फोनो और दूसरा वर्ड हो गया आपका ग्राम। फोनो का क्या मतलब होता है, साउंड, और ग्राम का क्या मतलब होता है, पिक्चर। तो अगर हम इसको क्लबिंग करें तो इसका क्या मतलब हुआ, जो साउंड पिक्चर होती है बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये वर्ड है आपका क्या, डॉग, है ना, हम इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं, राइट। लेकिन अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन को देखें तो इसको देखा जाता है DOG, समझ में आया। तो इस तरह से जब चीजों को प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है, तो इसको कहा जाता है फोनोग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसी की ही बात कर रहा है कि इसके लिए जो प्रोटेक्शन मिलती है वो लेस देन 50 ईयर्स मिलती है। ठीक, आई होप कुछ तो समझ में आया होगा। जैसे इसकी जो साउंड निकल रही है ना, अगर आप इसको जब प्रोनाउंस करते हैं वर्ड्स को, जो साउंड निकलती है ना, उसी को फोनोग्राम्स कहा जाता है। ठीक है, मुझे सच में मुझे भी नहीं पता था, आज ही मुझे ये भी पता चल गया, और थैंक्स टू यू पीपल कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे भी कई नई चीज़ों के बारे में पता चल रहा है, जो कि शायद मैंने खुद भी अपने पढ़ने के टाइम पे चीज़ों को एक्सप्लोर ही नहीं किया था या इतना ध्यान नहीं दिया था, तो थैंक्स टू यू पीपल। और अगर ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस की बात करी जाए तो यहाँ पे टर्म ऑफ प्रोटेक्शन कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 20 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम 20 ईयर्स होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी एक्सीड कर सकता है। ठीक, इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू द बर्ने कन्वेंशन, द कॉपीराइट एक्ट 1957 एज अमेंडेड इन 1993 टेक्स केयर ऑफ अवर ओन कंसर्न्स एंड मीट्स विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ट्रिप्स अग्रीमेंट एक्सेप्ट इन द केस ऑफ टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ परफॉर्मर्स राइट। अ बिल टू इंक्रीज दिस टर्म टू 50 ईयर्स वॉज पास बाय द पार्लियामेंट इन डिसम्बर 1999। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट है हमारे ट्रेडमार्क्स। अवर ट्रेडमार्क्स लॉ, द ट्रेडमार्क एंड मर्केंडाइज मार्क्स एक्ट, दैट इज TMMA 1958, इज इन इट्स एसेंशियल फीचर्स इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल लॉ। अ बिल टू अमेंड द TMMA वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट इन 1993 सो एज टू प्रोवाइड फॉर प्रोटेक्शन टू सर्विस मार्क्स ऑल्सो। द बिल कुड नॉट बी पास एंड सब्सिक्वेंटली लैप्स्ड। A bill in this regard, however, was passed by the Parliament in December 1999. In for earlier provides for protection to service marks. See, trademark क्या होता है? Basically, कोई word हो सकता है, ठीक है, कोई symbol हो सकता है, जिसके through आप अपनी company को दूसरी company से differentiate कर सकते हैं, right? जैसे कि आप McDonald's हो गया, आपका McDonald's का जो logo हो गया, ठीक, Coca-Cola हो गई, ठीक है, तो ऐसे different symbols या words को use करना जिसके through आप easily distinguish किए जा सके दूसरी company से। ठीक है,
यहाँ पे जो बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है, प्रोटेक्शन टू सर्विस मार्क, है ना। अभी सर्विस मार्क क्या होता है और क्या ये ट्रेडमार्क से अलग होता है या सेम होता है, इसको समझ लीजिए। देखिए ट्रेडमार्क्स बेसिकली हम किस पे यूज करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स पे, ठीक। अगर मैं एप्पल का एग्जाम्पल लूँ तो आपको एप्पल का लोगो मैकबुक पे भी दिख जाएगा और आईफोन्स पे भी दिख जाएगा, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या पता चला कि हम ट्रेडमार्क्स इस पे यूज करते हैं, प्रोडक्ट्स पे यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं सर्विस मार्क्स की बात करूं तो ये बेसिकली वहां पे लगाए जाते हैं जहां पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एयरलाइंस की बात करूं तो अगर एयरलाइंस पे आप जो मार्क देखते हैं वो क्या कहलाएगा, सर्विस मार्क कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि जो एयरलाइंस है वो क्या कर रही है, हमको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली सर्विस मार्क को इंट्रोड्यूस करने की बात कही गई थी, ठीक है। तो एक बिल पास किया गया पार्लियामेंट में दिसंबर 99 में, जहां पे सर्विस मार्क को भी फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी गई थी, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा ज्योग्राफिक इंडिकेटर्स। द अग्रीमेंट कंटेन्स अ जनरल ऑब्लिगेशन दैट पार्टीज shall provide the legal means for the interested parties to prevent the use of any means in the designation or presentation of a good that indicates or suggests that the goods in the question originates in a geographical area other than the true place of origin of the goods. In India, we do not have any specific law on geographical indications. Case law, however, enables legal action for protection of geographical indications. It was decided to enact a new law on the subject to take advantage of the provisions of the TRIPS Agreement. A bill in this regard was passed by the Parliament in December 1999. अब देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि geographic indicators होते क्या हैं basically. आपने ये सुना होगा कि आगरा के पेठे बहुत मशहूर हैं, है ना, कश्मीर की शॉल्स बहुत अच्छी होती हैं, राइट। फिर अगर एक और एग्जांपल दूं, अगर मैं लेट से कि बनारस की साड़ियाँ, तो ये क्या है, ये है ज्योग्राफिक इंडिकेटर्स। आपने उस पर्टिकुलर रीजन से प्रोडक्ट को लिंक किया, है ना। अगर शॉल की बात करें, अगर शॉल की बात करते हैं, सबसे पहले क्या आता है कि हाँ जम्मू की शॉल्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, है ना, नागपुर के ऑरेंजेस बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, एक तरह से ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स ही होते हैं। जब आप किसी पर्टिकुलर रीजन से किसी प्रोडक्ट को लिंक करते हैं तो उसकी प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की जाती है। हालांकि पहले इसकी प्रोटेक्शन नहीं थी, लेकिन उसके बाद जब ट्रिप्स अग्रीमेंट में इसका जिक्र हुआ, इसके रिगार्डिंग प्रोविजंस थे, तो इसको फिर इनाक्ट किया गया था इन दिसंबर 1999, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंडस्ट्रियल डिजाइंस। Obligations envisaged in respect of industrial designs are that independently created designs that are new or original shall be protected. There is an option to exclude from protection designs dictated by technical or functional considerations as against aesthetic consideration, which constitutes the coverage of industrial designs. Our law, the Design Act 1911, is a very old enactment and needs updating. The Department of Industrial Development prepared a bill in this regard, which was passed by Raj Sabha in December 1999 and will now have to be passed by the Lok Sabha. अब देखिए ये industrial designs क्या होती हैं basically. अगर आप देखते होंगे तो कोको कोला की जो बॉटल्स आती हैं वो आपको सिमिलर पैटर्न में दिखती होंगी, जितनी भी कोको कोला की बॉटल्स हैं। पेप्सी की बॉटल की बात करूँ तो वो उससे थोड़ा डिफ्रेंशिएट करेगी, ऐसा तो है नहीं कि एकदम सेम ही बना देगी, है ना। तो ये होती है हमारी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, जब हम अपने जो प्रोडक्ट की डिज़ाइन है उसको इस तरह से फॉर्म करते हैं कि वो डिस्टिंग्विश की जा सके हमारे कॉम्पिटिटर्स से, ठीक है। तो इसकी भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, ओके। ये जो इंडस्ट्रियल डिजाइन है वो किसके अंदर आती है, द डिजाइन एक्ट ऑफ 1911, ठीक है। ये काफी पुराना लॉ हो गया था, इसलिए इसमें अपडेशन भी की जाती है टाइम टू टाइम। और इसके रिगार्डिंग प्रोटेक्शन कब आई थी, दिसंबर 1999 में, जब राज्यसभा ने इसको पास कर दिया था और उसके बाद लोकसभा में ये गया था पास होने, ठीक है। बहुत ही इजी है, आपको इसका क्रक्स पता होना चाहिए, की पॉइंट्स पता होने चाहिए, बाकी तो फिर सब आपको अपने आप ही लिखना पड़ता है ना। इतना ज़्यादा बुकिश लैंग्वेज वहाँ पे लिख भी नहीं पाएंगे और इतना ज़्यादा याद भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो की पॉइंट्स को याद रखिए, आराम से लिख लेंगे, ओके। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स।
अब ये पॉइंट आपका एकदम अलग है, ठीक है। अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो सब किसके अंदर थे, ट्रिप्स के अंदर थे, ठीक है। कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ज्योग्राफिक इंडिकेटर्स हैं, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स हैं, पेटेंट्स हैं, आईसीज के बारे में, ये सब किसका पार्ट था, आपका ट्रिप्स का पार्ट था, ठीक। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रिम्स, ओके। अंडर द ट्रिम्स अग्रीमेंट डेवलपिंग कंट्रीज हैव अ ट्रांजिशन पीरियड ऑफ 5 years अप टू 31 December 1999 ड्यूरिंग विच दे कैन कंटिन्यू टू मेंटेन मेजर्स इन कंसिस्टेंट विद द अग्रीमेंट प्रोवाइडेड दीज आर ड्यूली नोटिफाइड। वी नोटिफाइड टू ट्रिम्स दैट इज रिलेटिंग टू लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन फार्माक्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड डिविडेंड बैलेंसिंग रिक्वायरमेंट्स इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 22 कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर आइटम्स। In view of the inconclusiveness of the Seattle Ministerial Conference, where no final decision on the request of the developing countries for extension of transition period for elimination of the notified TRIMS was taken, it needs to be seen that what final decision is taken by the General Council on this issue. तो ट्रिम्स की अगर बात करी जाए तो ये क्या है, बेसिकली इन्वेस्टमेंट मेजर्स की यहाँ पे बात करी गई थी, ठीक है। पहले जो ट्रेड होता था वो बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड था, है ना, और बहुत ज्यादा प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी को फॉलो किया जाता था। इस वजह से क्या होता था, कहीं ना कहीं जो ट्रेड है वो डिस्टॉर्ट होता था, ठीक। तो ट्रेड को बढ़ाने के लिए, ट्रेड को अपलिफ्ट करने के क्या किया गया, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स लाए गए बाय WTO कि जो ट्रेड है वो इजिली किया जा सके, डोमेस्टिक फर्म्स और फॉरेन फर्म्स दोनों ही एक तरह से कह सकते हैं कॉपरेट करके आगे ट्रेड को बढ़ाएं, ये इनका मेजर ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। लेट्स से कि कोई फर्म है वो मोबाइल मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, और वो कहती है कि हमको इंडिया में आके ट्रेड करना है, ठीक। अब जो इंडियन फर्म्स हैं वो क्या कहती हैं कि ठीक है आप यहाँ पे आके ट्रेड तो कर सकते हैं लेकिन उसकी एक शर्त है। अब वो कंपनी पूछती है, फॉरेन फर्म पूछती है क्या शर्त है, तो उन्होंने कहा ठीक है आपका जो मोबाइल सेट है, ठीक है, आप यहाँ पे आके उसका ट्रेड कर सकते हैं लेकिन उसमें जो सेल लगेगी, उसमें जो बैटरी लगेगी ना, वो हमारी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से अगर आप देखिए तो ये ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करी गई ना। अब उनका सीधा सीधा कहने का क्या मतलब था कि अगर आप हमारे जो बैटरीज हैं अगर आप उनको अपने सेलफोन्स में नहीं यूज करेंगे तो हम यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करने देंगे, है ना। इनडायरेक्टली तो यही कहा है, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता था ना, ये ट्रेड रेस्ट्रिक्ट होता था, इसीलिए ट्रिम्स को इंट्रोड्यूस किया गया और इन सब चीजों को फिर रिमूव कर दिया गया था। ये लोकल कंटेंट की जो प्रॉपर्टी थी, ये लोकल कंटेंट वाली जो राइट थी, इसको हटा दिया गया था क्योंकि इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो ट्रेड हो रहा था वो रुक रहा था, ठीक। तो ट्रिम्स के अंदर इन दोनों की ही बात करी गई थी, एक तो जो मैंने आपको बताया ना लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट्स की, ठीक है। नेक्स्ट इसकी बात करी गई है डिविडेंड बैलेंसिंग रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसकी भी यहाँ पे बात करी गई थी और इसके बाद भी इस पर कोई भी डिसीजन नहीं निकल पाया था, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन हाँ ट्रिम्स के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टैरिफ्स। तो गवर्नमेंट हैड कमिटेड अंडर द ट्रिप्स टू रिड्यूस टैरिफ्स टू द बाउंड लेवल्स बाय 1st of March 2000 इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल एंड नॉन टेक्सटाइल आइटम्स। द ऑब्लिगेशन वॉज मेट एंड टैरिफ्स वर रिड्यूस्ड बिफोर द ड्यू डेट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कमिट किया था कि वो ट्रिप्स अग्रीमेंट के तहत जो भी टैरिफ्स हैं उनको कम करने की कोशिश करेगी, किसमें, नॉन एग्रीकल्चर और नॉन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में, कब तक, 1st March 2000 तक, और ये ऑब्लिगेशन इन्होंने अपनी ड्यू डेट से पहले कंप्लीट भी कर दिया था, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया हो। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो वीडियो को प्लीज दोबारा रिवाइंड करके जरूर सुनिएगा क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपको एक बार में नहीं समझ में आती, जब आप उनको 2-3 बार समझते हैं तो वो चीजें आपके दिमाग में सेटल हो जाती हैं, राइट। तो उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और अगर कुछ दिक्कत होगी तो बिल्कुल बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने की, ठीक है। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था और आपकी ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो मैंने आपको बता दिया है किस पे आएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम वहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास थोड़ा सा टाइम ज्यादा रहेगा तो आप वो टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर भी कर पाएंगे और अच्छे नंबर भी स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले वो डिस्कस कर लेंगे, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। और हाँ एक चीज और यहाँ पे मैं बता दूँ, अब अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं सच बता रही हूँ मैं वीडियोज बनाना बंद कर दूंगी।
एकदम सही बता रही हूँ, वार्निंग ही समझ लो आप लोग इसको, या कह सकते हो खुली धमकी दे रही हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो कमेंट्स मेरे पास बहुत अच्छे आते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप सब लोग बहुत अच्छे फीडबैक दे रहे हैं, तो मुझे भी लगता है ना कि हाँ जो भी मैं वर्क कर रही हूँ, जो भी मैं एफर्ट डाल रही हूँ वो सही है ना। तो एटलीस्ट लाइक कर दिया करी, मेरे ख्याल से उसका कोई भी चार्ज नहीं लगता। क्या मैं आपको जो वीडियो सीरीज का कोई चार्जेस ले रही हूँ, एकदम फ्री में पढ़ा रही हूँ ना, क्योंकि मुझे लगता है नॉलेज आपके पास है तो आप दे दो, दैट्स इट, उसके लिए क्या चार्ज करूँ यहाँ पे। लेकिन प्लीज लाइक तो कर ही सकते हो आप लोग, है ना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।